एवरीबॉडी, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस, इंडियाज बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी। मेरा नाम मनिंदर है और मैं पंजाब पीसीएस में 36 रैंक होल्डर हूं। और जैसे आपको पता है कि हमने एक इशू और एनालिसिस बेस्ड जो है एक स्ट्रीम शुरू की हुई है यूट्यूब के ऊपर, तो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आज मैं आपको एक नया टॉपिक कराऊंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से, जो बायो टेक्नोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो अभिमन्यु आईएएस ने 2023-24 को टारगेट करने के लिए स्पेशल बैचेस चला रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस फॉर सिविल सर्विस एग्जाम। तो आप एनरोल करने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं आपके लिए। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं, आज करते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के टॉपिक को अगर मैं अंडरस्टैंड करूं, तो आपको मैं कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूंगा पहले, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो देखिए, सबसे पहली पिक्चर आप देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पिग्स हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स हैं, और ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स हैं, इनके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने जेनेटिक एडिटिंग की है कि ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस को रेजिस्टेंट हैं। जैसे आपको पता है कि COVID-19 एक रेस्पिरेटरी डिजीज थी जो हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है इनफैक्ट, वैसे ही इनको ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है कुछ साइंटिस्ट ने कि ये इनको जो है रेस्पिरेटरी बीमारियां नहीं हो सकती। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकंड, एक फोटो दिखा रहा हूं मैं मस्किटो की। तो आप बोलोगे यार मस्किटो की पिक्चर क्यों दिखा रहा है ये? तो मस्किटो की पिक्चर दिखाने का मेन रीजन ये है कि इस मस्किटो को ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है साइंटिस्ट ने कि ये जब अपना ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा तो वो ऑफस्प्रिंग इतना जो है स्ट्रांग नहीं होगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो इससे होगा क्या कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन ऑफ मस्किटोज हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। और आपको जैसे पता है कि मस्किटो जो है सबसे लीथल वेक्टर है व्हेन इट कम्स टू लॉट ऑफ डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू एंड एवरीथिंग। तो देयर इज अ गुड चांस कि ऐसे हम मस्किटोज को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड, आप देखो, ये तो आप बहुत ही चीज देखते हो कि डार्क में जो ग्लोइंग फिशेज होती हैं आजकल एक्वेरियम्स में भी देखने को मिलती हैं, ये भी कहीं ना कहीं जेनेटिकली मॉडिफाइड फिशेज हैं। और लास्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें पिग दिख रहा है आपको, लेकिन पिग के ऊपर एक ह्यूमन ईयर भी आपको दिख रहा है। तो ये एक इतना इंटरेस्टिंग है कि इसको वैकेंटी माउस बोलते हैं। अब ये जब जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया इस माउस को, तो इसके अंदर उन्होंने ह्यूमन ईयर के जेनेटिक्स जीन्स जो है वो भी इंट्रोड्यूस कर दिए थे इस बेचारे माउस के साथ। एक एक्सपेरिमेंटल माउस था, वैकेंटी माउस, और इससे देखने को मिल रहा है कि कैसे हम अपने ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड करते जा रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कोई नई चीज नहीं है, जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, ऐसे ही हम और भी जगह पे जीएम या जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज कर रहे हैं। हो गए कि ये एग्जांपल्स तो मैंने आपको दे दिए हैं, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा बताइए कि यार ये जेनेटिकली इंजीनियरिंग होती क्या है। तो हम उससे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक्स देखते हैं। और बेसिक्स है कि जीनोम, जीन और डीएनए में क्या डिफरेंस है। देखिए, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स में टिश्यूज हैं, टिश्यूज में सेल्स हैं, और सेल्स में हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम जो होता है वहां पे हमारा छुपा होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है डीएनए। डीएनए एक ऐसा मटेरियल है जिसमें आपकी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब आपके पेरेंट्स में से जो आ रहा है उसके बारे में आपका पूरा इंफॉर्मेशन होता है। और इस डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम जीन्स बोलते हैं। और ये जो जीन है ये हर एक इंसान का डिफरेंट होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके पेरेंट्स से उनको क्या इनहेरिट हुआ है। अगर किसी की आंख ब्लू है या किसी की आंख ब्राउन है, ये डिपेंड करता है कि उनको अपने पेरेंट्स में से कौन से जीन्स मिले हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को समझें। और जीनोम होता है बेसिकली जब मैं पूरे ऑर्गेनिज्म का या पूरे मतलब ह्यूमन बीइंग का या पूरे ऐसी स्पीशीज का पूरा जीनोम निकाल लेता हूं कि भाई इनके बेस पेयर्स कैसे डिफाइंड हैं, कैसे सीक्वेंस्ड हैं, तो उसको हम जीनोम बोलते हैं। तो देख लेते हैं पहले। सो डीएनए बेसिकली जो पर्सन की हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर जो है वो करता है। जीन जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए होता है, और यही जीन होता है जो डिफाइन करता है कि आपका हेयर का कलर, आपका स्किन का कलर, आपके आईज का कलर वो कैसे डिफाइन होगा, क्योंकि वो हर इंसान के डिफरेंट सीक्वेंसेस होते हैं तो वो डिफरेंट हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीनोम क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए है, उसको हम जीनोम बोलते हैं। अगर मैं ह्यूमन जीनोम की बात करूं तो जितने भी मेरे अंदर जीन्स हैं, अगर मैं उन सब जीन्स को कंप्लीट सेट को एनालिसिस करूं तो वो मेरा जीनोम बन जाएगा। आपका डिफरेंट होगा, मेरा डिफरेंट होगा। सो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग। सो ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन थी about the DNA and everything.
अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जैसे आप देखो कि ये एक डीएनए हमने ले लिया है और इस डीएनए के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ी साइट स्पेसिफिक कटिंग कर रहे हैं। मतलब हमें लगता है कि अगर हम इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डीएनए को काट देंगे और यहाँ पे कुछ हेल्दी डीएनए इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमें जो चाहिए वो हमें मिल सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कैसे वो वैकेंटी माउस के अंदर ईयर जो था वो लग गया था, तो वो इस तरीके से किया गया कि उसका वो डीएनए आइडेंटिफाई किया गया और वहां पे साइट स्पेसिफिक कटिंग की और फिर ह्यूमन डीएनए इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद उसकी डेवलपमेंट की गई और उसमें फिर फाइनली जाके वो जो ईयर है वो लग गया। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम ये डीएनए जो जीन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उसमें हम करते क्या है, हम जेनेटिक एडिटिंग में साइट स्पेसिफिक कटिंग्स करते हैं और उसके बाद वहां पे वो डीएनए इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो हमें बेसिकली रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज इन व्हिच डीएनए इज इंसर्टेड, डिलीटेड और मॉडिफाइड और रिप्लेस्ड इन द जीनोम ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें रैंडम इंसर्शन नहीं होती, ऐसा नहीं है कि आपने उठा के कुछ भी डाल दिया, आपको बड़ा साइट स्पेसिफिक करना पड़ेगा, जहां पे उस जीन की जरूरत है वहां पे वो जीन जो है आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और जीन जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि जब आप पूरे जीनोम के कंप्लीट ऑर्डर को सीक्वेंस करते हो, यानी कि वो एंड टू एंड आप देखते हो कि कैसे, जैसे अगर मैं अपने यहां से बाल से शुरू करके अपने टो तक जाऊं और पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग करूं तो इसको बोलेंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है एक ह्यूमन बीइंग की। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उससे हमें पता चलता है कि कहां पे वो पॉइंट है जहां पे हमें एडिटिंग करनी है। तो टू अंडरस्टैंड दैट वेयर दैट पॉइंट इज लोकेटेड, तो वहां पे जो एडिटिंग करनी है उसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग का आइडिया बताते हैं। तो कैसे काम करता है, देखिए इसमें तीन चीजें होती हैं। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कि जो वहां पे लेके जाता है, मतलब टारगेट एरियाज के ऊपर हमें गाइड करके जाता है। तो एक ऑर्गेनिज्म या एक मॉलिक्यूल होगा जो जिसको हम गाइड मॉलिक्यूल बोलेंगे, यानी कि वो साइट को आइडेंटिफाई करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होती है एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, जहां पे हम वहां पे पहुंच जाते हैं यानी कि वो डीएनए पे पहुंच जाते हैं उस वहां पे वो कट कर देता है। और थर्ड होता है हेल्दी डीएनए जो हम डाल देते हैं ताकि हम रिप्लेस करके जो भी हमारे डिजायर्ड ट्रेट्स हैं उसको हम अचीव कर सकें। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसमें हम कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए को कट करते हैं, टारगेटेड लोकेशंस पे जाते हैं और जैसे ही वो प्रोटीन वहां पे डीएनए को कट करता है तो सेल अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देता है। जब सेल अपने आप को रिपेयर करता है दैट इज द टाइम व्हेन वी इंट्रोड्यूस अ हेल्दी डीएनए और फिर वो सेल की रिपेयरिंग उसको बीच में इंटीग्रेट करवा देती है और फाइनली व्हाट वी गेट इज अ डिजायर्ड डीएनए। वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल आप यहां से देखो, बहुत आपको क्लियर होगा, अगर आप देखो यहां पे एक सेल है और सेल में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हमारे क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम का ये वाला जो पार्ट है यहां पे हमें एडिटिंग करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। हमें गाइड मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है जो हमें यहां तक लेके जाएगा, हमें हेल्दी हमें जो है डीएनए कटिंग एंजाइम की जरूरत है जो यहां पे कट करेगा और फाइनली हमें हेल्दी डीएनए कॉपी की जरूरत है जो यहां पे जाके जब कटिंग हो जाएगी वहां पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देगा। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, गाइड मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक स्पेसिफिकली डिजाइन गाइड मॉलिक्यूल होगा जो हमें यहां पे लेके जाएगा। उसके बाद जो उसके साथ एंजाइम गया है जो कटिंग करेगा वो यहां पे जाके कट कर देगा और फाइनली जो हेल्दी डीएनए है वो यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और दिस इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है आप सब लोगों को, इसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में डालते हैं। तो अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि एप्लीकेशंस क्या हैं इस जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी के। देखिए एप्लीकेशंस बहुत ही पावरफुल हैं। इनफैक्ट अगर ये जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में और रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर फोकस किया जाए तो ये सोसाइटीज को बदलने के लिए, इकोनॉमीज को बदलने के लिए, इवन पॉलिटिक्स को बदलने की क्षमता रखती है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दुनिया की बहुत गवर्नमेंट्स या तो फेवरेबल पॉलिसीज लेके आ रही हैं जीई के लिए या फिर डिसफेवरेबल पॉलिसीज लेके आ रही हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी powerful tool that can change the way society deals with many issues of healthcare, food and definitely agriculture sector as well. Agar hum baat kare, let's take an example of vaccines only. So vaccines bhi aajkal genetically modified vaccines, genetic engineering ke upar chal rahi hain. Ye jo RNA aur DNA based vaccines hain, wo sari vaccines ho gayi. To har jagah pe ye transformative changes kar sakti hai ye genetic engineering jo technology hai. हेल्थ केयर की बात करते हैं, सो हेल्थ केयर में सबसे इंपॉर्टेंट काम ये कर सकती है, ये ह्यूमन डिजीजेस के लिए बेटर इन्वेस्टिगेटिंग मॉडल्स क्रिएट कर सकती है। मतलब हमें पता लग सकता है कि ये जो बीमारी है ये क्यों हुई है ये बीमारी, क्योंकि हमें बहुत ऐसी बीमारी है जिसकी हमें रीजन ही नहीं पता है अभी तक, है ना। तो वो इन्वेस्टिगेशन मॉडल्स ये बेटर कर सकती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर
आप देखोगे हर हर इंसान का डीएनए डिफरेंट है। तो आज हम जो मेडिसिन देते हैं, ये सारी मेडिसिन जो हैं, ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती हैं, ये बॉटम अप अप्रोच फॉलो नहीं करती। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई पर्सनलाइज मेडिसिन बन रही हैं, लेकिन जब आपकी जेनेटिक जो है अंडरस्टैंडिंग होगी, डीएनए की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आपके लिए ये पर्सनलाइज मेडिसिन भी जो है बन सकती हैं, यानी कि आप इसी जीन के लिए ये मेडिसिन अवेलेबल हैं। हमारे ह्यूमन स्पीशीज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इनफैक्ट जिसको हम बोलते हैं कंजेनिटल डिजीजेस। कंजेनिटल डिजीजेस वो बीमारियां होती हैं जो बाय बर्थ आपको होती हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स में वो रिसेसिव जीन होगा, शायद उनमें ना एक्सप्रेस हुआ हो लेकिन आप में वो एक्सप्रेस हो जाएगा, तो वो आपको बीमार कर सकता है। तो उसमें जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर हीमोफीलिया ले लेते हैं, या फिर आप सिस्टिक फाइब्रोसिस ले लेते हैं, ऐसी बहुत बीमारियां हैं जो कंजेनिटल डिजीजेस होती हैं। अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में अच्छा काम कर ले तो हम ऐसी बीमारियों को ऐसे बच्चों को सेव कर सकते हैं और उनके डीएनए को चेंज कर सकते हैं बिफोर दे आर बॉर्न। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग अगर हम इसको देखें, प्रिवेंटिंग द इनहेरिटेंस ऑफ अ डिजीज। फिर फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट में, नई नई दवाइयों बनाने के डेवलपमेंट में, या वैक्सीन के प्रोग्राम के अंदर भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी 4-5 महीने पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई थी कि पिग का लिवर था शायद, उसको ट्रांसप्लांट किया गया ह्यूमन के अंदर। तो एनिमल की जो बॉडी पार्ट्स है अगर हम ह्यूमंस में ट्रांसप्लांट करने शुरू कर दें और उसके बाद उसको देखें कि वेदर इट इज यू नो गुड और नॉट, तो हमें ऑर्गन जो ट्रांसप्लांटेशन का प्रॉब्लम है, जो ऑर्गन्स नहीं हमारे पास होते, उसका कहीं ना कहीं सलूशन निकल जाएगा। इस चीज को बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जीनो ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली होता है जब आप किसी एनिमल का जो है ऑर्गन लेते हैं और किसी ह्यूमन के अंदर अगर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से पॉसिबल है। हमने मॉस्किटोज को भी इंजीनियर करना शुरू कर दिया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो मॉस्किटो दिखाया भी था कि मॉस्किटोज को भी हमने इंजीनियर करना शुरू कर दिया ताकि वो मॉस्किटोज वीक ऑफस्प्रिंग्स पैदा करें और वीक ऑफस्प्रिंग्स मर जाएं और इवेंचुअली हमें जैसे मलेरिया और डेंगू जैसी प्रॉब्लम है उनसे सॉल्यूशंस मिले। ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स लाइक थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, इन प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर फोकस करते हैं। ऐसी बहुत बीमारियां हैं जो रेयर जेनेटिक डिजीजेस में क्लासिफाई की जाती हैं, मतलब 10 लाख में एक इंसान को ऐसी बीमारी होती है। ऐसी बीमारियों के सॉल्यूशंस आज मेडिकल साइंस नहीं ढूंढती बिकॉज उसमें ज्यादा लोगों को नहीं होती, तो उसमें बिजनेस नहीं दिखता लोगों को। ऐसी बीमारियों का सॉल्यूशन भी हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है बहुत ही अच्छे से दे सकती है। मेडिकल साइंस के अलावा एग्रीकल्चर के अंदर भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत बढ़िया यूज कर सकते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी एग्रीकल्चर बहुत ही वल्नरेबल होती जा रही है, हमें ड्रॉट प्रोन क्रॉप्स ग्रो करने की बहुत जरूरत है, हमें रेन फेड क्रॉप्स ग्रो करने की बहुत जरूरत है, वहां पे भी ये काम हो सकती है। ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो हमें ऐसी क्रॉप्स चाहिए जिसमें क्रॉप यील्ड ज्यादा हो, हमें रेजिस्टेंस टू डिजीजेस वाली है ना क्रॉप्स चाहिए कि डिजीजेस को रेजिस्टेंस हो, और डेफिनेटली हमें ये सारी क्रॉप्स की जरूरत जो है पड़नी चाहिए। सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करना चाहिए, टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। फॉर इंस्टेंस, आप जैसे आपको पता है कि अब हम देश के अंदर बायोफ्यूल्स लेके आने की बात कर रहे हैं, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी बात करती है कि हमें थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स के ऊपर फोकस करना है, जैसे एल्गी हो गया, ऐसी चीजों को भी बनाने में जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प कर रही है, नए नए केमिकल्स डेवलप करने में, एंड इनफैक्ट मटेरियल डेवलपमेंट के अंदर भी हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत हेल्प जो है वो कर रही है। तो ये तो हो गया हमारा सारा का सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस फॉर ह्यूमन स्पीशीज। अगर हम बात करें व्हाट आर द कंसर्न्स एंड चैलेंजेस विद दिस टेक्नोलॉजी, अब क्या कंसर्न्स और चैलेंजेस इस टेक्नोलॉजी के, ये हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला कंसर्न या टेक्नोलॉजी में ये है कि हम ये जो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं इसकी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स को एनालिसिस नहीं कर रहे, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि आने वाले समय में ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे बिहेव करेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। तो प्री मेच्योरली यूज किया जा रहा है क्लिनिकल टारगेट्स। सपोज गलती से अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग रॉन्ग हो जाती है, मतलब आपने जिस टारगेट पे उसको इंट्रोड्यूस करना था वहां पे नहीं हुआ और कहीं और इंट्रोड्यूस
वायरस हो गया, वो जो आपने म्यूटेशन की है या चेंज किया है, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म स्टडीज अभी तक हमने नहीं इसमें डिस्कवर की। क्रिस्पर कैस, कई लोग बोलते हैं कि शायद ये कैंसर के लिए वन ऑफ द रीजंस भी बन सकते हैं। और इसके अलावा आप देखो कि ये सारे सॉल्यूशंस अभी बहुत एक्सपेंसिव हैं, कॉमन मैन या फिर आम आदमी से ये काफी दूर है ये सारे सॉल्यूशंस। और अगर ये जीएम आ भी जाता है तो ये इट इज गोइंग टू हेल्प द रिच मैन फर्स्ट। फिर हमारे देश के अंदर ना ही कोई कॉम्प्रिहेंसिव जीन एडिटिंग पॉलिसी है और ना ही कोई जीन एडिटिंग के ऊपर लॉ है। ऑल्दो बाकी लॉज है, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें हम कहीं ना कहीं कुछ रूल्स ले आए हैं, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ जो है अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग ये भी है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर बड़े एथिकल क्वेश्चंस भी लोगों के सामने आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें गुड और बैड यूजेस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी के अंदर कैसे डिस्टिंग्विश करें कि ये सही है इस टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन या ये गलत है। फॉर एग्जांपल जैसे मस्कीटोज की हम बात करते हैं, अब इन मस्कीटोज को इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उनकी पॉपुलेशन कम कर दी है, लेकिन यस इट कैन डेफिनेटली गो एंड हेल्प सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ मलेरिया। बट अगर हम मस्कीटो को रिड्यूस करते जा रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी को भी खत्म कर रहे हैं। आज हम मस्कीटोज को खत्म कर रहे हैं, कल हम कुछ और ऑर्गेनिजम्स को खत्म करने के लिए इनको यूज कर सकते हैं। तो ये कहां पे वो जो थिन लाइन है वो डेवलप करे कि ये गुड यूजेस और बैड यूजेस, और सोसाइटी एज सच कैसे इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, ये एक बहुत बड़ा एथिकल डिबेट है इसके ऊपर। इसके अलावा हमें ये भी बहुत एथिकल डिबेट है कि कौन से ट्रेट्स होते हैं जो नॉर्मल ट्रेट्स क्लासिफाई किए जाते हैं और कौन से अबनॉर्मल क्लासिफाई किए जाते हैं। आज हम ये बात कर लेते हैं कि चलो यार बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसमें ये ट्रेट हम चेंज कर देते हैं, ये बीमारी है और इस बीमारी को हम चेंज कर देते हैं। लेकिन कल को आप बोलोगे कि इसके अंदर हम और चेंजेस कर देते हैं, मतलब हम इसको सुपर ह्यूमन बना देते हैं। तो ऐसे ऐसे हम कहां पे ये थिन लाइन बनाएं कि यार ये ट्रेट्स नॉर्मल हैं, ये हर ह्यूमन में होने चाहिए, और ये ट्रेट्स एबनॉर्मल हैं और इनको सॉल्व करने चाहिए। तो वो क्लासिफिकेशन कहां पे है, उसकी लिटरेचर अभी तक दुनिया में क्या, इंडिया में क्या, दुनिया में अवेलेबल नहीं है। फिर ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आने वाले टाइम में ये जो जीन थेरेपीज होंगी ये काफी कॉस्टली होंगी, और इन कॉस्टली जीन थेरेपीज को सिर्फ एक्सेस रिच लोग कर पाएंगे। इसकी वजह से होगा क्या, जैसे डिजिटल डिवाइड हो रहा है वैसे ही एक जेनेटिक इंजीनियरिंग डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक अमीर इंसान तो इन सारी थेरेपीज को यूज कर सकता है, लेकिन एक पुअर पर्सन अगेन जो है वो इससे थोड़ा सा दूर हो जाएगा। हाँ, सपोज करो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं और उससे हम कुछ सुपर ह्यूमंस बना लेते हैं या कुछ ऐसे ह्यूमंस जिनके पास एडिशनल ट्रेट्स हैं, तो क्या जो सोसाइटी है वो ऐसे ह्यूमंस को एक्सेप्ट कर पाएगी? ऑन द अदर हैंड, अगर सब जेनेटिक इंजीनियरिंग से कुछ अच्छे ट्रेट्स ले रहे हैं और किसी ने नहीं ले पाए वो जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके, तो क्या वो लोग जो अपने आप को चेंज कर बैठे हैं वो ऐसे इंसानों को जो अपने आप को नहीं चेंज कर पाए उनको क्या एक्सेप्ट कर पाएगी? कहने का मतलब है, क्या हम एक नई क्लास बनाते जा रहे हैं और ये क्लास आने वाले टाइम में एक और डिफरेंसेस क्रिएट करेगी अपार्ट फ्रॉम ऑल द यू नो क्लासेस दैट वी हैव टुडे लाइक रिलीजन, कास्ट एंड एवरीथिंग? ये भी एक बहुत बड़ा डिबेट है जिसके ऊपर सोसाइटी काम नहीं कर रही। इसके अलावा क्या हमें लोगों को अलाउ करना चाहिए कि वो अपनी बेसिक जो ह्यूमन एबिलिटीज है उसको एनहांस कर सकें, जैसे इंटेलिजेंस को या एथलेटिक्स को? ये भी बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने। अब हम बात करते हैं कि भारत के लिए क्या प्रॉस्पेक्ट्स है। देखिए, भारत बहुत ही डाइवर्स नेशन है, यहाँ पे बहुत आपको जेनेटिकली वेरिएबल लोग मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ट्राइब्स रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारे पास डाइवर्सिटी है, और कहीं ना कहीं रिसेसिव डिसऑर्डर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ बहुत ही हेल्प दे सकता है व्हेन इट कम्स टू इंडिया। लेकिन भारत में जो है हमें कैसे हम इसको जो है यूज में लेके आए, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। नंबर वन, हमें अपनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स पॉपुलेशन और जेनेटिक्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन पता होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है ताकि इनोवेशंस को और ज्यादा प्रमोट किया जाए इस फील्ड के अंदर। फिर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लेके आए हम। इसके अलावा इंडिजीनियस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी हम फोकस करें। ऐसे बड़े ट्राइब्स हैं हमारे देश में जो बड़े सालों से ऐसी जीन एडिटिंग्स कर रहे हैं लेकिन वो कभी सामने नहीं आ रहे, उसको भी हमें देखना है। और फाइनली जो क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे लैब्स में करनी है वो सारी क्लिनिकल ट्रायल्स सेफ होनी चाहिए, वो सारी क्लिनिकल ट्रायल्स जो है एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से उनको करना चाहिए। सो ये बहुत जरूरी है। भारत में कुछ कानून है या नहीं है जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर, ये हम देख लेते हैं लास्ट स्लाइड के अंदर।
तो देखिए अभी तक ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ तो नहीं है, लेकिन यस एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसके अंदर रूल्स बनाए गए हैं कि कैसे आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज करना है। इसके अलावा भारत में नेशनल एथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स 2017 आया है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR लेके आई है। इसके अंदर भी कुछ ना कुछ गाइडलाइंस हैं कि कैसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड वो सारी चीजों के ऊपर रेगुलेशंस लेके आएंगे। तो ये आज का टॉपिक था आपका इशू एंड एनालिसिस का, जो प्रेजेंट किया गया था बाय मी मनिंदर सिंह। जो मैं अपने बारे में जैसे आपको दोबारा रिकन्फर्म कर दूं कि मैं पंजाब PCS में रैंक 36 हूं और अभिमन्यु में फैकल्टी पोजीशन पे हूं, और ऐसे और इशू एंड एनालिसिस के ऊपर हम नए-नए वीडियोस लेके आते रहेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको बैचेस को ज्वाइन करना है तो आप लिंक जो है फोन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमें जो है ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।